छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने की बात है। आपने आपको मोर दुर्भाग्य है कि आपने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के बारे में बात करे हो, भाषा के बारे में बात नहीं करे हो। छत्तीसगढ़ ही राजभाषा होना चाहिए, आप छत्तीसगढ़ राजभाषा कर रहे हो, ये दुर्भाग्य है। क्षेत्र के बात होते अच्छी बात है, हम स्वतंत्र छत्तीसगढ़ के वासी हैं, छत्तीसगढ़ी के वासी नहीं हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ी के आधार पर छत्तीसगढ़ बनाए गए है। मोर यही प्रश्न है कि भाषाई लग कब स्थापित करूं जेकर नाम में छत्तीसगढ़ बनाए गए। मैडम मोर दो सवाल है, एक तो भाजपा से भी है और कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय जो भी है दोनों जन। पहला सवाल मोर ये है कि पिछले बार जो हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार रही से तो वह 2023 में युवा संवाद कार्यक्रम में घोषणा कर रही से कि एमए छत्तीसगढ़ी जो डिग्रीधारी छात्र है वो मतलब रोजगार देवो करके, तो का भूपेश बघेल अपन दोगलाई नीति के परिचय देना चाहत रही से। दूसरा सवाल मोर ये भाजपा से कि अभी पिछला विधानसभा में एमए छत्तीसगढ़ी के वहाँ रोजगार देवर घोषणा हुई, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी वर्तमान शिक्षा मंत्री है ना घोषणा करी, तो का बृजमोहन अग्रवाल जी रोजगार दी वास्तविक में या वो दोगलाई करी? अब ताले नहीं बजी जी। अमित जी पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोनों ने किया, साधुवाद। देखिए मैं आपको एक ही चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ की रीति नीति संस्कृति पे किस सरकार ने काम किया ये बेहतर जानते हैं। और आपको बता दूं कि मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग दो कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और दूसरे समय झूठ को फैलाना। देखिए दिग्विजय सिंह जी थे, निश्चित तौर पे हम अटल जी का बहुत सम्मान। एक मिनट भाई, अब आप उनसे पूछ लीजिए पहले प्रश्न, फिर मैं जवाब दे दूंगा। भूपेश बघेल का वादे का बात वादे की बात उसी में आ रहा था। देखिए जिस प्रकार से मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ की कौन सी सरकार ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, उनके 30 त्योहारों के लिए, उनकी बोली के लिए काम किया ये सब बेहतर जानते हैं। और आपने ठीक प्रश्न कहा, हमने कहा था कि उनको रोजगार देंगे लेकिन उसके बाद सरकार हमारी चले गई। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि आपने जो प्रश्न किया भाई साहब जो पहले किए छत्तीसगढ़ भाषा पर, लगातार हम छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के, उसके अस्मिता को बढ़ाने के लिए उस पर लगातार हम काम कर रहे थे। हमने आयोग बनाया, विभिन्न गठन किया और उसके बाद उसमें परिचर्चा भी हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद हमारी सरकार चले गई। लेकिन हमारी सोच अच्छी थी और ये जनता जानती है। एक मिनट रुक जाओ, समझे मैडम? आयोग बन गया, अध्यक्ष नहीं बना। देखिए मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये कह रहे ना मैडम, जनता सारे सवालों का जवाब देने जा रही है और आने वाले टाइम में आप देखिए परिवर्तन की लहर बहेगी। ठीक है सर। देखिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया, हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, भाषाई आधार पे बनाया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए बनाया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार 15 साल रही और अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, निश्चित रूप से भाषाई आधार पे जो जो छत्तीसगढ़ की जनता की आवश्यकताएं होगी हम पूरा करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल के वादे की बात करें, बिल्कुल बृजमोहन अग्रवाल जी इसीलिए 8 बार विधायक नहीं बने क्योंकि वो जनता की आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। 4 महीना हमारी सरकार को हुआ है, उसमें आचार संहिता लग गया 40 दिन से, तो आज आप विश्वास करिए बृजमोहन अग्रवाल जी संसद में पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ की आवाज होगी। आज तक छत्तीसगढ़ की आवाज दम रोजगार मिली, विशुद्ध रूप से रोजगार मिली छत्तीसगढ़, रोजगार के बड़े साधन उपलब्ध कराई सरकार। मैडम हमारे भैया ने एक बहुत ही अच्छा अपना जवाब दिया था कि 80 करोड़ लोगों को इस देश में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो मैडम ये बहुत प्राउड की बात नहीं है, शर्म की बात है कि एक भारतीय होने के नाते 80 करोड़ लोगों को हम 80 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की जगह उनको अनाज दे रहे हैं, ये मैम बहुत प्राउडली बात नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। और दूसरी चीज मैडम ये है कि ये कहते हैं कि गौ रक्षा, और जो कंपनी गाय के मांस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है भारत से उससे 2 करोड़ रुपए चंदा खा के बैठे हैं। बीफ का मीट है मैम, उसमें गाय भी है, उसमें भैंस भी है मैम, गाय भी है उसमें और भैंस भी है। हमारे भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, उसमें गाय भी और भैंस भी है, उसका मांस ये एक्सपोर्ट करके उससे 5 करोड़ का चंदा लेके 5 करोड़ में मैम कितनी भैंस कितनी गाय कटी होंगी, उसका जवाब इनको देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि ये इनके प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, कि बाहर में जो पकौड़ा तल रहा है वो रोजगार दे रहे हैं। कोई इंजीनियर पकौड़ा तलते हुए अच्छा लगेगा आपको? इंजीनियर का काम पकौड़ा तलना है मैम। अभी आ गए आतंकवादी में, अभी आ जाएंगे हिंदू मुसलमान में, इनके पास कुछ जवाब नहीं है। इनके पास हिंदू मुसलमान है, इनके पास हिंदू मुसलमान है मैम, इनसे पूछ लीजिए इनके पास क्या रोजगार है। अभी जीएसटी का फुल फॉर्म पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे, जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं ये नहीं बता पाएंगे, ये रोजगार की बात करते हैं मैम।
भैया वही तो बोल रहा हूँ, भैया वही तो बोल रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप, 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को। ठीक है, तो चुनाव एक्सप्रेस में रायपुर से आज इतना ही। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्या कुछ सियासी हलचल है, आम जनता का मिजाज क्या है। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।